ओके सो आई एम लाइव एंड ओके मुझे लगा कि आई एम नॉट लाइव. ओके आई एम लाइव. कौन कौन स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर लिए? मेधा, अर्चना, प्रशांत, स्वास्तिका. तो यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ ग्रेडअप. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज कमिटमेंट. राइट, कमिटमेंट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है. इस वीक हमने स्टार्ट किया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज फेट मैप्स. राइट, फेट मैप्स. आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दैट इज कमिटमेंट. राइट, एंड दिस टॉपिक इज लाइक कि इसमें से क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, एंड इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक बट स्टिल यूजुअली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स गुड इवनिंग बोल रहे हैं. मेधा, अर्चना, प्रशांत, मेधा अगेन. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन दी क्लास. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ग्रेडअप, हाउ ग्रेडअप कैन हेल्प यू. तो वी हैव जस्ट नाउ लॉन्च अ क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है. और क्रैश कोर्स हमने इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज कभी भी अब CSIR अपनी एग्जाम अनाउंस कर देगा, मोस्टली इन नवम्बर. इट इज एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं है बट इट इज एक्सपेक्टेड. तो एग्जाम के लिए फास्ट फॉरवर्ड वे में जो प्रिपरेशन हो सकती है उसके लिए वी हैव लॉन्च दिस कोर्स. एंड इन दिस कोर्स यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट सिलेबस. जो फुल सिलेबस है, फुल कोर्स जो है वो कवर किया जाएगा. नॉट इवन अ सिंगल यूनिट विल बी लेफ्ट. पूरा के पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो. जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में मोस्टली जो ए सेक्शन होता है, जो ए बी एंड सी सेक्शन होते हैं, उसमें जो ए सेक्शन है उसके लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं. 80+ क्लासेस इसमें प्रोवाइड करेंगे व्हेन इट कम्स टू ए सेक्शन. मतलब ए सेक्शन के अंदर आपको 80+ क्लासेस मिलेंगी. तो सोचो कितना ना प्रॉपर वे में प्रिपरेशन हो जाएगा. राइट, यहाँ पे प्रशांत बोल रहे हैं मैम प्लीज टेल विल यू कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी ग्रेजुअली और सम टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट. प्रशांत, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज अ वास्ट टॉपिक. मैं इनिशियली ये कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो मतलब एग्जाम में आने वाले या एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं पहले कवर करूंगी. जब वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम वो टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो टॉपिक्स यूजुअली कम पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, आई होप आई हैव गिवन योर आंसर. यस, गुड इवनिंग प्रिंसू. तो जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन के लिए भी क्लासेस दी जाएंगी. डू नॉट वरी, 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद जो हमारा लाइफ साइंस का पेपर है उसके लिए तो 200+ क्लासेस होने वाली है. पूरी जो थ्योरी है और इंक्लूडिंग डाउट सेशंस एंड एवरीथिंग, वो सभी कुछ 200 क्लासेस में कवर हो जाएगा. और उसके बाद 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग लेवल के, फ्रॉम द बेसिक टू द हायर डिफिकल्टी लेवल. सो जितना भी क्वेश्चन आंसर्स वाली क्वेरीज हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड अनदर थिंग दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो ओवर हियर कि सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और टेस्ट के अलावा आपको पूरा ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा. माइंड मैप्स प्रोवाइड होंगे ताकि आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं होगी कि हम कहाँ से इस चीज को नोट डाउन कर सकें. अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो यू विल हैव स्टडी मटीरियल. और इस क्रैश कोर्स में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे. मॉक टेस्ट होंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे और कंप्लीट यूनिट बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे. और एक हमने लॉन्च किया था ग्रेडअप ग्रीन कार्ड थोड़े टाइम पहले, लाइक अराउंड 15-20 डेज. तो ग्रेडअप ग्रीन कार्ड का ये बेनिफिट है कि इट इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. दिस ग्रेडअप ग्रीन कार्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद दिस. और जिसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेडअप ग्रीन कार्ड ऑप्ट करना है, दे कैन इवन गो फॉर सिर्फ और सिर्फ ग्रेडअप ग्रीन कार्ड. पर ये जो क्रैश कोर्स है उसके साथ जो ग्रेडअप ग्रीन कार्ड है, ताकि आप जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, वो इसके साथ अटेम्प्ट कर सके. यस सौम्या, गुड इवनिंग. रितु, गुड इवनिंग. ओके, यस, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, फिर थोड़ा सा और देखेंगे इस क्रैश कोर्स के बारे में कि क्रैश कोर्स हम कैसे एक्चुअली आगे लेके जाने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कमिटमेंट. ठीक है, सो कमिटमेंट किस चीज का? जब भी किसी चीज का कमिटमेंट होता है तो डेफिनेटली स्टेजेस होती है. जैसे कि शादी होने वाली होती है तो इंगेजमेंट होती है, फिर शादी हो जाती है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी जो स्टार्टिंग स्टेजेस की सेल्स हैं, दैट इज जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस हैं उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स आगे चल के क्या बनाएंगे या क्या बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट, कि वो सेल किस स्टेज में है कमिटमेंट के, कि वो 100% इसी ऑर्गन में डेवलप होगा या अभी वो किसी और ऑर्गन में भी डेवलप हो सकता है। इसी चीज को हम पढ़ते हैं अंडर कमिटमेंट, राइट। तो ये जो कमिटमेंट होता है कि व्हाट इट इज गोइंग टू मेक फर्दर, ये कितना स्टेज प्रोसेस होता है। जो कमिटमेंट होता है इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस, 2 स्टेज में होता है कमिटमेंट, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेज में कमिटमेंट हो रहा है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है कमिटमेंट की, कि आपका जो सेल है एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो सेल है वो फर्दर आगे चल के किस ऑर्गन में डिफ्रेंशिएट होगा या कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगा, ये चीजें 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज आती है उसे बोला जाता है स्पेसिफिकेशन, राइट। हेलो ट्विंकल, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो कमिटमेंट है ये 2 स्टेजेस में होता है, फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड इज डिटर्मिनेशन। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन जैसे कि हमने नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज। तो जब भी फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं मतलब बहुत ही अभी स्टार्टिंग की स्टेज है कि उसने डिसाइड किया है कि ओके फाइनली आई एम गोइंग टू मेक दिस ऑर्गन। तो जब भी हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं तो स्पेसिफिकेशन यूजुअली रिवर्सिबल होता है, राइट। यहाँ पर दिख रहा है रिवर्सिबल, व्हेन सेल और टिश्यू इट इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट, मतलब रिवर्सिबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं बनाएगा, बट वो जो भी बनाने वाला होता है वो रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी सेल या टिश्यू को उठाएं फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज और उसे किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या कहीं पर भी दूसरे एनवायरनमेंट में रखें तो ये डिफ्रेंशिएट तो होगा ऑटोनॉमसली, जो भी उसने फेट डिसाइड किया होता है उसके अंदर वो चेंज तो होगा, पर अगर उसको कुछ और फैक्टर्स मिल जाएं, कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिल जाएं, तो वो उस एनवायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आके किसी और चीज में चेंज हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, यस तहसीन गुड इवनिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं स्पेसिफिकेशन तो उसको कुछ सिंपल सी चीजों से रिलेट करके देखते हैं कि एक होता है ड्रीम हमारा बचपन का, राइट। हमारा एक बचपन का सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम ये प्रोफेशन आगे चल के लेंगे, राइट। हम 10 तक वही हमारा ड्रीम जो रहता है उस तक स्टक करके रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया। फिर जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ये बनना, हम चाहते हैं कि ये बनना, तो ये जो ड्रीम है, जो चाइल्डहुड ड्रीम है, चाइल्डहुड ड्रीम है, ये स्पेसिफिकेशन होता है कि यस हम ये बनना चाहते हैं। फिर जब हम 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके हमारा मैथ्स स्ट्रांग है या फिर हमारा बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है या नहीं, हमें किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जिस भी चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है या तो हम उसके बेसिस में फिर हमारा 11th 12th में जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं, या तो फिर हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं हम ये देखते हैं कि ओके हमारा फ्रेंड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहा है तो हम भी ये सब्जेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो है, जब तक हम 10th तक रहते हैं तो हमारा रिवर्सिबल हो सकता है कि हाँ ठीक है, हमने 10th तक सोचा था कि अगर हम सब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी थिंक कि वी विल गो फॉर मेडिकल साइंस, राइट, वी विल गो फॉर बिकमिंग डॉक्टर या वी विल परस्यू MBBS, ठीक है। फिर उसके बाद हम 11th 12th में आते हैं, फिर हमें लगता है कि जो भी फैक्टर्स रहे होंगे कि हमारे फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं या फिर हमें लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड में भी काफी अच्छा स्कोप है, तो हम कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज द सेकेंड स्टेज, दैट इज डिटर्मिनेशन, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेज है जो कि अभी 11th 12th जो कि अभी 10th तक ही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन। अभी वो रिवर्स भी हो सकता है, जो ड्रीम है वो चेंज भी हो सकता है। समझो कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप तो बस मेडिकल साइंस करो और हमारा मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू अवर कैपेबिलिटी की हम क्या कर सकते हैं, तो वी गो फॉर सम अदर थिंग। सो दैट इज स्पेसिफिकेशन कि हाँ ये तो डिसाइड है कि हम ये करेंगे, अगर एनवायरमेंट में कोई और फैक्टर्स नहीं मिले तो हम फिर वही आगे परस्यू भी कर सकते हैं या तो फिर हम उसे परस्यू ना करते हुए कुछ और भी कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। सुमित्रा इज सेइंग गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सुमित्रा। आ रही है बात समझ में? The commitment, they have the capability of being reversed at this stage. इस स्टेज पे रिवर्स हो जाता है. जब 11-12 में आते हैं तब भी थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाता है, पर once you have taken admission into BSc, you cannot reverse it. 10th तक तो आपने जो भी सोचा है वो रिवर्स हो सकता है कि हाँ चलो कि 11th एंड 12th में हमें मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या जो भी सब्जेक्ट लेना है वो रिवर्स हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिकेशन. फिर उसके बाद सेकेंड देखते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कमिटमेंट. ये कौन सा स्टेज होता है कमिटमेंट? सेकेंड स्टेज. कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि हम ये करना चाहते हैं, फिर आप उससे बैक नहीं कर सकते हैं कि नहीं अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ. जैसे कि आज की जो स्टेज है हमारी वो डिटर्मिनेंट स्टेज है, बिकॉज वी हैवंट एक्चुअली एंटर्ड इनटू आवर करियर. तो यहाँ पर अभी डिटर्मिनेशन हो चुका है कि ओके हमें CSIR क्वालिफाई करके फर्दर रिसर्च करना है, हमें फर्दर PhD करना है या हमें जो भी टीचिंग करना है वो डिसाइड हो चुका है. डिटर्मिनेशन यहाँ पर आ चुका है कि हम जो करने वाले हैं वो फिक्स्ड है, अब ये किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता है. तो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कमिटमेंट. और ये जो स्टेज होती है when a cell or tissue is placed in another region of embryo, then also it has the capacity of differentiating autonomously. यहाँ पर ये reversible नहीं होता है. यहाँ पर हमें येलो कलर से लिख देना चाहिए that is it is irreversible. ये irreversible होता है. Okay, it is irreversible in nature. Determination. अब क्या होता है कि हमने यहाँ पर इसके पहले जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करी थी उसको उसमें हमने जो सेल है सेल को हमने कोई न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखा था, तो वो जिस चीज में चेंज हो रहा था उसी में चेंज हो रहा था. यहाँ पर भी जब हम डिटर्मिनेशन में देखते हैं तो अगर हम इसे कहीं से भी एम्ब्रियो से ऐसा सेल उठाते हैं और उसे न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो अपना जो भी उसका फेट रहता है उस फेट में ही वो चेंज होता है. और अगर हम इस डिटर्मिनेशन वाले स्टेज में क्या करते हैं कि इसे एक अलग सा एनवायरनमेंट देते हैं, कुछ डिफरेंट हम इसे फैक्टर देते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, तो उस केस में भी ये जो पहले से बनने वाला था ये वही सेल में चेंज होता है. ये इस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होता है कि ओके एनवायरमेंटल फैक्टर ये मिल रहे हैं तो मैं इस चीज में चेंज हो जाऊं. ये जो तरीके का इसने डिसाइड कर लिया होता है फेट ये उसी में चेंज होता है. ठीक है, the commitment is said to be irreversible if cell or tissue they have the ability to differentiate according to the original fate even when placed in another region. आ रही बात समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो कि क्लास लाइव देख रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. लेट अस मूव टुवर्ड्स दी थ्री मोड्स ऑफ कमिटमेंट. जो कमिटमेंट है इसके तीन मोड्स होते हैं, इनको तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, सेकेंड इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड इज सेंसेशियल स्पेसिफिकेशन. ठीक है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल एंड सेंसेशियल. बहुत ही सिंपल सी टर्म्स हैं, तो टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है, राइट? तो आई कैन सी स्वास्तिका बहुत सारे कमेंट्स लिख रही हैं, वेरी गुड, नाइस. तो फर्स्ट है दैट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. जो फर्स्ट है दैट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं हम? कमिटमेंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं. वी आर रीडिंग द टाइप्स ऑफ कमिटमेंट, राइट? तो फर्स्ट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. ऑटोनॉमस, पहला ही जो टर्म है वो क्या बता रहा है? ऑटोनॉमस. इसके ऊपर डिपेंड करता है. जब भी ऑटोनॉमस बोलते हैं तो मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑटोनॉमस. और स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन तो हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज होती है, पर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन आ गई. तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी ब्लास्टोमियर्स के अगर कुछ सेल्स को रिमूव किया जाए और उसे किसी और एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ऐसा देखा जाएगा कि जो सेल्स वो पहले जो भी ऑर्गन बना रहे थे वही ऑर्गन वो फर्दर भी बनाएंगे. यहाँ पर ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन रिजल्ट इन मोजाइक डेवलपमेंट एंड सेल्स कैन नॉट चेंज द फेट इफ ब्लास्टोमियर इज लॉस्ट. यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है इसमें से कुछ सेल्स को रिमूव कर लिया गया. ग्लास नीडल रिमूव्स आई फॉर्मिंग सेल्स. आई फॉर्मिंग सेल्स थे उसे रिमूव कर दिया गया. तो जब आई फॉर्मिंग सेल्स को रिमूव कर दिया गया तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ, नो आई डेवलपमेंट. मतलब अगर कुछ इस तरीके का कंप्लीट एम्ब्रियो है तो इसके अंदर पैच होते हैं, अलग अलग पैचेस होते हैं. ये जो पैच है ये एक ऑर्गन बनाएगा, जो दूसरा पैच है ये दूसरा ऑर्गन बनाएगा. यहाँ पे कलर डिफरेंट लेना चाहिए हमें. दूसरा ऑर्गन बनाएगा और इस तरीके से ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स वो बना रहा है इसी को हम किस टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं? वी कॉल इट मोजाइक डेवलपमेंट, राइट? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स. ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने इंट्रोडक्शन में तो पढ़ाया था स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल होता है और उसे आप जिस एनवायरनमेंट में रखो वो उसमें चेंज हो जाता है। जब हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं तो अगर इस तरीके का कोई ब्लास्टोमियर है, कोई एम्ब्रियो है, उसमें से अगर हम कुछ सेल्स का रिमूवल करवाते हैं तो फर्दर वहां पर दूसरे सेल्स आकर उसकी प्लेस नहीं लेते हैं और उस गैप को फिल नहीं करते हैं। जो पहले बन रहा होता है वही वो चीज नहीं बन पाती है बिकॉज नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज एब्सेंट फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि अगर वो सेल्स वहां से रिमूव कर दिए गए तो आसपास के जो सेल्स हैं वो फिर उस सेल का काम नहीं करेंगे कि नाउ दैट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो इज गॉन, तो अब ये वाला फंक्शन हम नहीं करने वाले हैं, ओके। सो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सेकेंड चीज देखते हैं कि इन द अर्ली एम्ब्रियो विदाउट इंटरैक्टिंग विद अदर सेल्स द सेल नो इट्स फेट। यहाँ पर अगर हमने सोचा कि ये इतना पोर्शन निकाल दिया गया है तो ये इतना पोर्शन निकाल दिया गया है, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन था ये पोर्शन खुद ही को सपोर्ट कर रहा था। ये आसपास का जो पोर्शन है, ये आसपास का पोर्शन ना इसे कोई सिग्नल दे रहा था और ना ये इसे सिग्नल दे रहा था, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंटली रिमूव हो गया तो यहाँ पर जो ऑर्गन बनने वाला था वही ऑर्गन बन रहा है। तो इसीलिए इस तरीके से जब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होते हैं तो अर्ली एम्ब्रियो में भी पता होता है हर सेल को कि मेरा फेट क्या है, वो आसपास किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर हमने ये जो इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये पिक्चर बनाया, ये क्या बता रहा है, मोजाइक। दिख रहा है ना कि सबको, सभी हमने पोर्शंस को अलग अलग कलर दे रखा है, तो ये अलग अलग कलर देना मतलब ये किस टाइप का पैटर्न हो गया, इट इज अ मोजाइक पैटर्न। यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों से ये एक पूरा एम्ब्रियो बना हुआ है, सो दिस इज अ मोजाइक पैटर्न। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शोज मोजाइक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मोजाइक पैटर्न को यहाँ पर फिर एक्सप्लेन किया है कि टाइल लाइक पैचेस ऑफ सेल्फ डिफरेंशिएटिंग इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। द पोटेंसी ऑफ सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट। यहाँ पर एक चीज लिखते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी इज इक्वल टू द फेट। यहाँ पे वो अपना फेट जानता है और उसी फेट के हिसाब से उसकी पोटेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि उसका जो उसकी जो पोटेंसी है वो फेट से ज्यादा हो। अगर उसकी पोटेंसी फेट से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं, ओके फ्यूचर में मुझे ये करना था पर अब मैं ये भी कर सकता हूँ, आई एम मल्टी टैलेंटेड, मैं कुछ और भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। उसकी पोटेंसी इतनी ही है जितना उसका फेट है। अगर वो आई में डेवलप होना चाहता है, होने वाला था, तो फर्दर आई में ही डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि उसकी पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि अब वो लिम्ब में भी डेवलप हो जाए, एंटीना में भी डेवलप हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंसी इज इक्वल टू फेट, ठीक है। सर्टेन प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनएस प्रेजेंट अनइक्वली इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द एक्साइटोप्लाज्म दैट स्पेसिफाई द सेल टाइप्स आर कॉल्ड एज मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। जब हमारा एग, कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो एग होता है उसमें अलग अलग एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन होता है अलग अलग पोर्शन में। ये जो डिफरेंट टाइप के एमआरएनएस का, समझो यहाँ पर टाइप ए एमआरएनए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, तो ये जो अलग अलग एमआरएनएस का कॉन्सेंट्रेशन होता है इस पूरे एग के अंदर, वो स्पेसिफाई करता है कि फर्दर सेल आगे जाके क्या बनाएगा। सो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, राइट। ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट एमआरएनएस हैं या फिर कुछ प्रोटीन है जो एग में, वही फर्दर डिसाइड करेंगे कि नाउ दिस एग व्हेन इट विल बी फर्टिलाइज्ड, तो फर्दर जो पोर्शंस हैं, हेड पोर्शन या बॉटम पोर्शन, जो भी पोर्शन है वो किस तरीके से डेवलप होंगे, ठीक है। यस, स्वास्तिका इज राइटिंग सम ऑफ द कमेंट्स, ओके ग्रेट, ठीक है। रिमेनिंग एम्ब्रियोनिक सेल डज नॉट कॉम्पेंसेट मिसिंग सेल्स। हमने यहाँ पे बात करी कि यहाँ पर ये जो दूसरे सेल्स हैं आसपास के, अगर यहाँ पे आई फॉर्मेशन के जो सेल्स हैं उनका रिमूवल हो गया, आई फॉर्मिंग सेल्स का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे आसपास वाले सेल्स कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे कि आई फॉर्मिंग सेल्स का अब रिमूवल हो गया है तो उसको वहां पर कॉम्पेंसेट कर दिया जाए। नो, दे वोंट बी कॉम्पेंसेटेड। इस चीज को क्या बोला जाता है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज रेगुलेटिव डेवलपमेंट इज एब्सेंट, रेगुलेटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जनरली इट इज सीन इन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किन में देखा जाता है इस टाइप का रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज सीन इन इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज और किन में मोलस्क्स, एनेलिड्स एंड ट्यूनिकेट्स, ठीक है। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन इज सीन मोस्टली, ठीक, मोस्टली इन इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो। याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैंने जितना भी अभी आपको एक्सप्लेन किया ये सब कुछ समझ में आया होगा। सेकेंड पे पहुंचते हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट का दूसरा टाइप कमिटमेंट, ठीक है। फर्स्ट था ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, सेकेंड इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। टर्म से ही बहुत क्लियर है कि जो भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। वहां पर ऑटोनॉमस था, वो खुद डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, ना वो आसपास से अफेक्ट होता है और ना आसपास वालों को अफेक्ट करता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है और खुद ही में मस्त रहता है। ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैसा है कि खुद का तो ठीक है, जो भी देख रहा है, आसपास से बहुत अफेक्ट होता है कि आसपास वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, आसपास वाले सेल्स किस टाइप का सिग्नल दे रहे हैं कि आप ये कर लो, तो वो तरीके का वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पैराक्राइन फैक्टर्स जो हैं या सेल टू सेल इंटरैक्शन में जो चीजें बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं, वो क्या बनाती है, वो क्या किस टाइप की चीज को फर्दर आगे चल के लीड करती है, दैट इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। The cells originally can form many different type of cells, but the fate of one or both of the participant cells depend upon the condition in which the cell is present. Moreover, इसके अंदर वो आसपास के environment से बहुत deflect होता है कि okay, ये environment मिल रहा है तो further I am going to develop into this thing. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जो potency है, potency will be greater than fate. भले वो कुछ भी बनने वाला हो, पर जो भी environment रहेगा वो एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। तो एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है मतलब ये मल्टी टैलेंटेड हो गया। जैसे कि आज अगर मैं सोचूं कि अलोंग विथ टीचिंग आई एम वेरी गुड एट स्केचिंग ऑल्सो, आई एम वेरी गुड एट पेंटिंग ऑल्सो, तो ठीक है, मैं फिर फर्दर आगे चल के आई कैन डू ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो, एंड आई एम वेरी मच अफेक्टेड फ्रॉम माई एनवायरमेंट कि हाँ मेरे फ्रेंड्स भी ये कर रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो डू लाइक दैट। तो यहाँ पर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा एनवायरमेंट से अफेक्ट होगी। The cells originally can form many different type of cells, but the fate of one or both of the participant cells depends upon the condition in which the cell is present. In conditional specification, regulative development occurs. और यहाँ पर इसका benefit क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये regulative development करता है। Regulative development मतलब अगर कोई एक portion निकाल दिया जाए उस पूरे embryo में से, तो ऐसा नहीं होगा कि अब वो वाली place missing हो जाएगी कि now यहाँ पर कोई दूसरी चीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, या फिर ये अब आई, जैसे आई के जो सेल्स थे वो निकाल लिए गए थे तो आई का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट होगा, मतलब आसपास वाले जो सेल्स है वो बोलेंगे कि फाइन, यहाँ पर ये सेल्स मिसिंग है तो नो इश्यूज, हम इस प्रोसेस को टेक ओवर करते हैं और यहाँ पर हम आई का डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। मतलब रेगुलेटिव डेवलपमेंट को अगर हम रिफाइंड टर्म में बोलें, रिफाइंड टर्म में बात करें, तो क्या बोला जा सकता है कि रिमेनिंग एम्ब्रियोनिक सेल्स कैन कॉम्पेंसेट फॉर द फेट ऑफ द मिसिंग सेल्स। जो मिसिंग सेल्स है उसके लिए वो कॉम्पेंसेट करते हैं कि फाइन वी आर गोइंग टू डू द थिंग। The prospective potency of the cell is greater than its normal fate. यहाँ पर हमने देखा कि जो potency है that is greater than fate. Potency उसके अंदर बहुत ज्यादा capability है और वो fate से बहुत ज्यादा affect नहीं हो रही है कि ठीक है उसका fate था ये बनना, पर उसको environment ऐसा मिला तो it got changed into that particular type of cells. आ रही है बात समझ में सभी students को? Okay. I can see many students are watching this class live. It will be a great help if you will like the video and share it with your friends. Video like कर दीजिए और अपने friends के साथ share कर दीजिए, ठीक है। The isolated blastomeres have ability to generate different cell types and the cell would normally not produce in the original embryo. ठीक है, जो isolated blastomeres होते हैं उनके पास बहुत सारी ability होती है कि वो अलग अलग cell में change हो सके, वो अभी हमने देखा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, conditional specification. अब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन किसके अंदर देखा जाता है, जब हम देखते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, तो हमने देखा था कि इट इज मोस्टली सीन इन वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट है किसके अंदर देखा जाता है, वर्टिब्रेट में देखा जाता है। तो वर्टिब्रेट में कहाँ पे, एम्फीबियन में देखा जा सकता है, रेप्टाइल्स में देखा जा सकता है, बर्ड्स में, मैमल्स में देखा जा सकता है। और क्या इनवर्टिब्रेट में नहीं देखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। इट कैन बी सीन इन दी एम्ब्रियो ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एज वेल, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक ही जो जाइगोट है या एक ही जो फर्दर ब्लास्टोमियर है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू। तो समझो अगर इसके अंदर रेगुलेटिव डेवलपमेंट ना होता तो फिर हाफ हाफ पोर्शन हो जाता, तो इनवायबल हो जाता वो आगे चल के, पर ऐसा नहीं होता है, वो फर्दर वायबल बनता है और आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है इन आइडेंटिकल ट्विंस, और इसके अंदर किस टाइप का कमिटमेंट देखा जाता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज सीन इन दी आइडेंटिकल ट्विंस। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है और रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट है या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो इनवर्टिब्रेट में नहीं देखा जाएगा। इट कैन बी सीन इन सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एज वेल। आ रही है बात समझ में? ओके तो यहाँ पर हम ये पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सेकंड वाला पिक्चर देखो, ऊपर वाला नहीं, जो नीचे वाला पिक्चर है वो देखो। यहाँ पर एक ग्लास नीडल से क्या किया गया है कि जो आई फॉर्मिंग सेल्स है उसे रिमूव किया गया है। फर्स्ट केस में जब इस तरीके से आई फॉर्मिंग सेल्स का रिमूवल हो जाता है तो क्या होता है कि वो फर्दर जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनटू एन एडल्ट, उसके अंदर आई का डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसके अंदर हम बोल रहे थे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर आई बनी नहीं पाती है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट के अंदर पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल जैसे डेवलप होगा, नॉर्मल आई का डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर, तो इट इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर द सेल्स विच आर रिमूव्ड। जो सेल्स का रिमूवल हुआ उसका कॉम्पेंसेशन हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप ये बात कितना क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे ब्लास्टुला है, इसके अंदर से कुछ नॉर्मल सेल्स का रिमूवल किया गया और उसे कहीं और रखा गया, दूसरे एम्ब्रियो में प्लेस किया गया। तो वहाँ पे सेल्स, यहाँ पे से सोचो आई फॉर्मिंग सेल्स थे, उसे ऐसी जगह प्लेस किया गया जो कि बेली फॉर्म कर रहे थे। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, वहां पर उसने बेली का फॉर्मेशन किया। ये नहीं कि आई एम स्पेसिफाइड फॉर फॉर्मिंग आई तो वो फर्दर आई ही बनाएगा, नहीं, वो जिस एनवायरमेंट में गए उस एनवायरमेंट में उन्होंने वो बना लिया। एग्जाम्पल्स जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अभी तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है। ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम CSIR के जो ये सिंपल टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आई हैव सीन इन बी सेक्शन एज वेल एज इन सी सेक्शन ऑल्सो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट्स इन द एम्फीबियन सजेस्ट कि ड्यूरिंग द अर्ली गैस्ट्रुला डेवलपमेंट इज कंडीशनल। जो डेवलपमेंट होता है वो कंडीशनल होता है और जैसे जैसे वो लेटर स्टेज में पहुंच जाता है वो ऑटोनॉमस हो जाता है। तो कितना सिंपल सी ही बात है कि एम्फीबियन के अंदर हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ वर्टिब्रेट, तो इसके अंदर रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा, जब अर्ली गैस्ट्रुला होगा तो किस टाइप से डेवलपमेंट होगा, कंडीशनल होगा, और जब लेट गैस्ट्रुलर स्टेज होगी तो उसके अंदर ऑटोनॉमस होगा। ये बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडेबल बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अर्ली गैस्ट्रुला में इन लोगों ने क्या किया कि होस्ट रीजन में से प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डोनर टिश्यू से इसे प्लेस किया गया, तो वो जो भी एरिया में प्लेस किया गया था वो उसमें चेंज हो गया। और होस्ट रीजन का जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन था वो अगर डोनर में जिस भी प्लेस पे डोनर से अगर हम न्यूरॉन फॉर्मिंग सेल्स को होस्ट रीजन में रखेंगे, जहां पे भी उसे रखेंगे तो वो फिर फर्दर उसी टाइप की चीज में चेंज होगा। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसी से क्लियरली ये पता चला कि ओके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कब तक होता है, ऐसा नहीं है कि ऑल थ्रू द डेवलपमेंट यही होगा, कुछ कुछ स्टेजेस तक होता है। तो जब हम एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं तो अर्ली गैस्ट्रुला जो स्टेजेस होती है तब तक होता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट और फिर आगे जाके हो जाता है नॉन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है, यस और नो, टेल मी? ओके अब हम यहाँ पर एक दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, दैट इज मॉर्फोजेंस। ठीक है, मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, ये पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, टारगेट सेल्स इसे बनाते हैं और ये जो भी सेल है उसके अंदर एक ग्रेडियंट के फॉर्म में रहते हैं कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं अगर ये सेल्स इसे बना रहे हैं तो वो यहाँ पर ही इसे रिलीज आउट करेंगे, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, बहुत हाई रहेगा और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे इस एरिया से तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा। So morphogen is a soluble molecule which is secreted by the target cells and it forms the gradient. ठीक है, तो gradient बना लिया तो इससे फिर क्या फर्क पड़ा, इसने ये जो gradient बनाया उसकी वजह से सेल का फेट डिसाइड होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से हम कोई एग को देख लें तो एग के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग mRNAs हो सकते हैं या फिर प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये mRNAs और प्रोटीन्स फर्दर आगे चल के क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एग के अंदर किस पोर्शन का डेवलपमेंट होगा, हेड का फॉर्मेशन हो रहा है या किस पर्टिकुलर ऑर्गन का या मेजर पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। और यही जो फिनोमेना होता है, ये जो मॉर्फोजन का फिनोमेना होता है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन। जो रीजनरेशन हम देखेंगे, रीजनरेशन इन रेप्टाइल्स या हम देखते हैं जिसमें भी रीजनरेशन, तो वो जो भी रीजनरेशन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉर्फोजन्स पे डिपेंड करता है कि उस एनवायरनमेंट में जिस टाइप के सेल्स हैं वो उसे सिग्नल दे रहे हैं कि नाउ यू हैव टू डू दिस। अगर यहाँ से किसी चीज का एम्प्यूटेशन हो जाए, कोई ऑर्गन का एम्प्यूटेशन हो जाए, जैसे कि लिजार्ड्स के अंदर एम्प्यूटेशन हो रहा है या फिर किसी और रेप्टाइल में एम्प्यूटेशन हो रहा है, तो एम्प्यूटेशन को फर्दर वो कैसे सेल्स टेक करेंगे, रेगुलेटिव डेवलपमेंट करवाएंगे कि ओके यहाँ पर इस चीज का रिमूवल हो गया, नाउ दे विल गिव द सिग्नल फॉर द रीजनरेशन, जैसे कि लिजार्ड की टेल के अंदर रीजनरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज को एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है कि जो मॉर्फोजन्स है ये मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स भी बनाते हैं कि ये एक अलग अलग रीजन्स बना देते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला mRNA या फिर प्रोटीन हाई है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर mRNA कम है, तो ये कौन सा पोर्शन बनाएगा, तो ये फील्ड डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फोर लिम्ब डिसाइड हो जाता है, हार्ट कहाँ पे बन रहा है वो डिसाइड हो जाता है, आई कहाँ पे बनेगा वो डिसाइड हो जाता है, किसके इन्फ्लुएंस में। इस तरीके से नहीं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज लोकेटेड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो बस यहीं पे प्रेजेंट रहेगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आगे चल के कम होगा और कुछ चीजों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो द स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सेल्स कैन कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ द सेल्स इन द फील्ड, और यहाँ पे जो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स उसके अंदर कुछ सेल्स का लॉस हो जाता है तो वो सेल्स का लॉस भी कॉम्पेंसेट किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस दिस पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसके अंदर हमेशा बैलेंस एंड इम्बैलेंस चलता रहता है। ठीक है, सो आ रही है बात समझ में कि इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट का हम थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। व्हाट इज दिस सिंसेशियल, हु इज गोइंग टू टेल मी कि सिंसेशियल का मतलब क्या होता है या सिंसेशियम का मतलब क्या होता है। जब तक आप मुझे बता रहे हो मैं आई विल जस्ट टेक अप द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स ऑफ यू। वास्तिका कुछ लिख रही है, ओके यस कंटिन्यू फर्स्ट, ओके यस समझ में आ रहा है, गुड। Ma'am, what type of CSIR net questions are asked from this particular topic? Please tell, ma'am. ठीक है, so तहसीन आपकी क्वेरी देखते हुए what I will do is कि मैं कल की क्लास में कमिटमेंट के 2 या 3 क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ठीक है, स्पेसिफिकली जो भी PYQ है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में से लूंगी और आपके लिए वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो आज का जो आप लेक्चर देख रहे हो तो उसमें कितना रिटेंशन हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप You are okay with this. हम कल कमिटमेंट के ऊपर और फेट मैप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्लास स्टार्ट होने के पहले। Fine, let us move further. The interaction between part of one cell. हाँ सॉरी, मैं ये पूछ रही थी कि what is a syncytial, ये what is a syncytial cell या what is a syncytium ये पूछ रही थी। तो syncytium वो कंडीशन होती है जिसमें कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पाया है। ठीक है, सॉरी उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस इज एब्सेंट। यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस एंड साइटोकाइनेसिस इज एब्सेंट। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ वन सेल्स प्लेज मेजर रोल इन द सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सिंसेशियम इज द कंडीशन इन विच द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द एक्साइटोप्लाज्म। सिंसेशियल इस टाइप की कंडीशन होती है। ठीक है, ओके फाइन, ये हमें पता है, बहुत अच्छे से ही पता है। तो इस तरीके की जो फर्दर हम बातें हैं वो इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, दैट इज हम ड्रोसोफिला के एग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग ऑफ ड्रोसोफिला, एग ऑफ ड्रोसोफिला। अब जो एग ऑफ ड्रोसोफिला होता है ये कोई होमोजीनस नहीं होता है ये सारी चीजें इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी कि mRNA या फिर कोई प्रोटीन हो सकता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एक सेल के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक mRNA है जिसका नाम है बाइकॉइड, ये जहाँ पे भी प्रेजेंट, लेट मी टेक द अनदर कलर, जैसे कि ये बाइकॉइड है, ये बाइकॉइड अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो इसका धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता जाएगा, ठीक है। एंटीरियर में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई रहेगा। जब पोस्टीरियर के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एकदम ही कम हो जाता है, राइट। फिर हम यहाँ पर एक दूसरे mRNA के बारे में देखते हैं जो कि एक दूसरे पार्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे पोस्टीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एग बोलते हैं, उस mRNA का नाम होता है नैनोज, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये नाम सुने हुए ही होंगे, इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग। यहाँ पे नैनोज, ठीक है। ये जो दो mRNAs हैं, एक एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, एक पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। तो जो बाइकॉइड एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है वो आगे चल के क्या बनाने में हेल्प करेगा, हेड बनाने में हेल्प करेगा, और जो पोस्टीरियर रीजन है जिसमें नैनोज है वो फर्दर उसका पोस्टीरियर एंड बनाने में हेल्प करेगा। सो इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हमने देख लिया कि कहाँ पर ज्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। इसके बीच में थोरैसिक एंड एब्डोमेन रीजन भी आएगा। तो ये जो थोरैसिक एंड एब्डोमेन रीजन बन रहा है, ये थोरैसिक एंड एब्डोमेन रीजन में इन दोनों का एक रेशियो देखा जाएगा कि बाइकॉइड कितना है और नैनोस कितना है। अगर बाइकॉइड और नैनोस का जो भी रेशियो रहेगा वहां पर, उसके ऊपर बेस्ड उसके फर्दर पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से एक सेल के अंदर मॉर्फोजेंस अफेक्ट करते हैं, किस पोर्शन का डेवलपमेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ सम mRNAs एंड बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर प्रोटीन्स, राइट, ठीक है। सो अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, पोजीशन ऑफ न्यूक्लिया इन द एग साइटोप्लाज्म इंस्ट्रक्ट देम आफ्टर दैट डिविजन। जो हेड प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं वो उन्हीं न्यूक्लियाई में एक्सप्रेस होते हैं जिसके पास बाइकॉइड ज्यादा होता है। यहाँ पे सेंसेशियल कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर उन्हीं जीन्स का एक्सप्रेशन होगा जो कि फर्दर हेड बनाने वाले हैं, और यहाँ पर उन्हीं चीज का एक्सप्रेशन होगा इसके लिए वो डिटरमिन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि थोरैक्स और जो एब्डोमेन है वो भी अफेक्ट होता है। तो थोरैक्स इज जनरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन लो बाइकॉइड एंड लो नैनोज रीजन। यहाँ पर थोरैक्स का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे जो न्यूक्लियाई थोरैक्स के लिए फर्दर थोरैक्स बनवाएगी जिसके अंदर लो बाइकॉइड है और लो नैनोज है। डेफिनेटली कुछ बीच का ऐसा पोर्शन आएगा जहां पर दोनों ही चीजें कम होती हैं, और फिर उसके बाद एक पोर्शन आता है जो कि पोस्टीरियर से जस्ट पहले होता है जहां पे बाइकॉइड बिल्कुल भी नहीं होता है और जहाँ पे नैनोज बहुत सारा रहता है, प्लेंटी नैनोज रहता है, नो बाइकॉइड एंड प्लेंटी ऑफ नैनोज। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है हमारे सिंसीशियम में। तो यहाँ पे सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन क्यों बोला, सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन क्यों बोला, स्पेसिफिकेशन क्यों बोला, सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन हमने ये टर्म इसलिए यूज करी है क्योंकि जो एग है, एग के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है। अब ये न्यूक्लियाई क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, जिस भी mRNA का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो वहां पर उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करवा रहे हैं। दूसरे पोर्शन में जिस भी टाइप का mRNA या प्रोटीन ज्यादा है वहां पर उस टाइप के जीन्स का एक्सप्रेशन करवा रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एक ही सेल के अंदर, वो इनसे अफेक्ट हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन, व्हेन देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड दे आर अफेक्टेड बाय वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स, मोस्टली मॉर्फोजेंस, इट इज कॉल्ड एज सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन वेयर डिटर्मिनेशन अकर्स एट द ब्लास्टोडर्म स्टेज। यहाँ पर एक मैच्योर एग देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस एक दिख रहा है, और यहाँ पर बाइकॉइड mRNA है एट द एंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन में नैनोज mRNA है। एग लेइंग, फर्टिलाइजेशन एंड न्यूक्लियर डिविजन सेकेंड स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है और ग्रेडियंट ऑफ बाइकॉइड हो जाता है कि जो बाइकॉइड है उसका ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन, राइट। ग्रेडियंट ऑफ बाइकॉइड एंड ग्रेडियंट ऑफ नैनोज, यहाँ पर बाइकॉइड ज्यादा है, यहाँ पर जो है नैनोज ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब सेल्युलराइजेशन होगा तो जो फ्रंट वाले जो रीजन्स हैं उनके अंदर फॉर्मेशन होगा हेड का। उसके बाद एक ऐसा रीजन आएगा जहां पर दोनों ही बहुत कम अमाउंट में है, बाइकॉइड और नैनोस या फिर वहां पर एब्सेंट है, वहां पर थॉरैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा मोस्टली, नो नैनोस एंड नो बाइकॉइड इन दी थॉरैक्स रीजन। एब्डोमेन में क्या होगा कि यहाँ पर नैनोस तो होगा पर यहाँ पर बाइकॉइड नहीं होगा, और लास्टली जो टेल्सन फॉर्मेशन रीजन है वहां पर जो है नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा। तो ये होता है सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन, राइट। तो हमने तीन टाइप के कमिटमेंट्स देखे, दैट इज फर्स्ट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, सेकेंड इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड इज सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर यस ट्विंकल मुझे रिप्लाई दे रही है, स्वास्तिका, दीपक, एवरीवन दे आर रिप्लाइंग, वेरी नाइस टू सी दिस कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये है कि मैम इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो डू नॉट वरी, अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म करूंगी ऑन द स्पॉट, तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल वो आइडिया ना मिले कि CSIR में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कल भी हम यही पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ही सीरीज चल रही है। आज वेडनेसडे है, दैट इज द सेकंड क्लास, सो टुमारो बिफोर बिगनिंग द क्लास वील टेक अप द PYQs ऑफ CSIR, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से आपने क्या सीखा और इस टॉपिक का फर्दर एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक लास्टली आज की क्लास खत्म करने के पहले हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में बता देती हूँ कि हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी रहेगी उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एक्सपर्ट फैकल्टी से। उसके बाद हर क्लास के बाद आपको क्विज एंड नोट्स मटेरियल मिलेगा, ताकि जिस तरीके से आपका अभी डाउट आ रहा था कि मैम ये आपने पढ़ा दिया है, नाउ हाउ टू यूज दिस, तो हर क्लास के बाद क्विज रहेगी। आप इमीडिएटली अपना नॉलेज चेक कर सकते हो कि कितना रिटेंशन हुआ है और कितना एप्लीकेशन हो पा रहा है उस चीज का। स्टडी मटेरियल मिलेगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा नोट्स फॉर्मेशन और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द स्टडी नोट्स। और जो हम क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं, वो तो उसका तो PDF आपको मिलता ही है, सो यू नीड नॉट वरी। ठीक है, वीकली और मंथली अलग से टेस्ट भी होता है ताकि जितने भी टॉपिक्स आपने क्यूमुलेटिवली पढ़े वो सबका रिविजन हो जाए। हर रोज हर टॉपिक के ऊपर बेस तो क्विज आएगी आपके पास, और क्यूमुलेटिव की अभी तक इतने टॉपिक्स हो गए तो सबका मिला के भी आपको टेस्ट देने मिलेगा। उसके बाद अलोंग विद दिस माइंड मैप्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम वी आर नॉट वेरी गुड विद द मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, so do not worry, you will be getting formula sheets of that particular topic as well। और हर टॉपिक के लिए आपको फ्लो चार्ट फॉर्मेट में भी सारी चीजें मिलेंगी ताकि आपके दिमाग में बहुत क्लियरली समझ में आ जाए कि ओके ये पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है, ये टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड करना है, और उन टॉपिक्स के अंदर भी किस तरीके से उसे डील करना है, यू विल बी गेटिंग दैट। मॉक टेस्ट मिलेगा, रेगुलरली आपको मिलेंगे। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी रहेगी कि जितने भी मॉक टेस्ट है जब भी आप चाहें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड लाइक दिस यू विल बी एग्जाम रेडी विथ डाउट सेशंस एज वेल। हर थ्योरिटिकल जो हम यूनिट पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम आपके लिए डाउट सेशन रखेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हो वहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं CSIR के लिए, सो इट इज बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। क्रैश कोर्स बहुत ही एक प्रिसाइज सा, बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन किया गया है, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इफ यू आर गोइंग फॉर दैट। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है, तो स्टूडेंट्स दे गो फॉर टेस्ट सीरीज वेन एवर एनी एग्जाम कम्स अप। तो आप ग्रेड अप ग्रीन कार्ड के थ्रू इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, और हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके साथ तो ये जो ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड टेस्ट सीरीज है ये कॉम्प्लीमेंट्री है ही, राइट। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास थी दैट इज अबाउट कमिटमेंट दैट कम्स टू एन एंड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द फेट मैप्स टॉपिक एंड कमिटमेंट बोथ वेल। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक थे ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। दीज टॉपिक्स यू कैन रिवाइज एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट बिकॉज दीज लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं, तहसीन पूछ रही है मैम क्रैश कोर्स में अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है। तहसीन, आई वुड से कि आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो क्रैश कोर्स आप लोगे वो क्रैश कोर्स के वीडियोस तो रिकॉर्डेड रहेंगे, पर अगर आप स्टार्टिंग से जब से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हम थ्योरी क्लास 6 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, तो जितना जल्दी आप ले लो उतना क्या होगा कि आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। आप उसी वक्त क्लास अटेंड करके वहीं पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और फिर आपको हर रोज एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस करनी है, तो आपका फिर अगर आप एक दिन भी पीछे होते हो तो फिर आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये मेरा सजेशन है कि अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो डू नॉट मेक इट एनी लेट, राइट। और फिर इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है अप्लाई करने की या फिर इसे ज्वाइन करने की। मोर ओवर लास्ट डेट, जस्ट अ सेकेंड, शायद इसकी अगस्त में लास्ट डेट है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट लास्ट डेट, राइट। आई विल टॉक टू टीम एंड आई विल टेल यू कि जो इसकी लास्ट डेट है वो आपको बता दी जाए, या फिर कल की क्लास में आई विल टेल यू। देन उसके बाद यहाँ पर है मैम, मेधा पूछ रही हैं कि मैम क्विज PYQ बेस्ड होगा क्या? यस, बिल्कुल। जो क्विज होगा उसके अंदर PYQ सारे रहेंगे और बहुत सारे MCQs रहेंगे, मतलब यस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, जो कि पूरी तरह CSIR की पैटर्न पर ही है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम द वेरी बेसिक टिल वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल, इसको डील किया जाएगा। मेधा, आई होप आई हैव गिवन द आंसर टू योर क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आज का जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी रहती है तो यू कैन एनी टाइम टॉक टू अवर टीम, एंड यू आर देयर इन माय टेलीग्राम ग्रुप, यू आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू कैन एनी टाइम मैसेज मी, यू कैन एनी टाइम आस्क मी, राइट। सो इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो खत्म होता है, एंड दिस इज इट फॉर नाउ। वील बी मीटिंग टुमारो, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्टार्टिंग।